Hi guys, welcome to another vlog. Today is 30th June, Thursday. It's almost 9:30 AM. I may look sleepy because I had my night shift. मैं सुबह 8 बजे घर पे आया हूँ, फिर नहाया, चाय बनाया, तैयार हुआ, and now I'm about to leave. By the title of the vlog, you already know. So I am going to Mississauga today, and we'll be visiting Square One Mall. So I'm going at my best friend's place, and I'll be staying over there for like 3 to 4 days, probably till Saturday or Sunday. एंड मेरा जो रूममेट है राहिल, इवन ही इज गोना जॉइन अस. लाइक वो ऑलरेडी एक अपने रिश्तेदार के घर पे है, तो वो उधर से सीधा उधर ही मिलेगा. मेरे से थोड़ी देर पहले वो पहुंच जाएगा. सो आई एम ऑलमोस्ट रेडी. ये दो बैग लेके जाना है. दोनों बैग को मैंने एकदम पूरा ठूस दिया. ऑल्सो 3-4 दिन पहले मेरे घर से मुझे पार्सल आया, उसमें कपड़े, खाने पीने के सब चीजें थे. एंड द हाईलाइट ऑफ दैट पार्सल वॉज दैट आई गॉट होम मेड लड्डू, जो मेरा फेवरेट है. तिल का लड्डू होता है, इफ यू नो. मैं दिखाता हूँ, इट्स ओवर हियर. इट्स हियर. ये होता है तिल का लड्डू. एंड कचौरी भी थी जो मेरे नानी ने बनाया था. सो इन शॉर्ट खा के बड़ा मजा आ गया. द बिगेस्ट चैलेंज इज टू गो फ्रॉम हियर टू मिसिसागा. सो आई एम इन वाटरलू. वाटरलू से मिसिसागा जाना है. सो आई हैव टू चेंज लाइक 3 buses, जो मेरे घर के बस स्टॉप है. आई हैव टू टेक अ बस फ्रॉम देयर एंड गो टू 1 bus stop, एंड फ्रॉम देयर आई गेट अ गो बस विच इज लाइक इंटरसिटी बस. तो दैट बस विल डायरेक्टली टेक मी टू स्क्वेयर वन मॉल. एंड फ्रॉम देयर आई हैव टू टेक अनदर बस एंड गो टू माई फ्रेंड्स हाउस, क्योंकि पहले बैग वैग सारा रखना पड़ेगा. एंड देन वी विल गो टू द मॉल प्रोबेबली आफ्टर ईटिंग समथिंग. I'm at the bus stop waiting for the bus and और 5 मिनट लगेगा बस को आने में. एंड इट्स सो सनी, लिटरली मुझे ये पहनना पड़ता है जस्ट बिकॉज इट इज़ वेरी सनी. मैं लाया तो था इसको स्टाइल मारने के लिए, बट एक्चुअली सनी है इसलिए पहनना पड़ता है. इन कैनेडा इफ इट्स कोल्ड इट्स वेरी कोल्ड, इफ इट्स हॉट इट्स वेरी हॉट. Finally, I've reached Mississauga. Behind that, everything is, I guess it's Square One Mall. And guess what? मैं सो गया था. The bus was supposed to reach at 12:15 and I got up at 12:20. And मैं देखते ही शॉक हो गया कि भाई अब तक मैं पहुंचा नहीं, कि मैंने मिस कर दिया. But Square One was the last stop, तो बस रुकने ही वाली थी. अब मुझे तीसरी बस पकड़नी है घर जाने के लिए, तो वो आगे से है. वो देखना पड़ेगा अभी क्या है, क्योंकि यहाँ सब अलग अलग है थोड़ा. घर पे आके द फर्स्ट थिंग आई डिड वॉज आई एक्चुअली वेंट एंड टेस्टेड द वॉटर, बिकॉज वेर वी स्टे इन वाटरलू द वॉटर इज द वर्स्ट वॉटर आई हैव एवर ड्रैंक. सो इधर मैंने पानी पिया, इट वॉज गुड. एंड देन असाइनमेंट सबमिट करके आई जस्ट स्लेप्ट. आई स्लेप्ट फॉर 1 आवर एंड देन हम लोग ने समोसे खाए. एंड नाउ वी आर फाइनली गोइंग टू स्क्वायर वन मॉल. हाय राहिल. सो वी आर इन कैनेडा सेकेंड लार्जेस्ट मॉल. हम लोग 7th एंट्रेंस से एंटर किए. आई डोंट इवन नो कितने एंट्रेंस है मॉल के. वी आर इन लेवल 2. दिस इज आई थिंक ओल्ड नेवी शॉप. हम लोग ऐसे घूम रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं, क्या है कुछ लेना नहीं हमको, बस टाइम पास करना है. ऐसे हर थोड़ी थोड़ी देर में हर जगह घूमेंगे. देखो कुछ लेना है, मेरे को ऐसा लग रहा है तू लेने वाला है. तू जितने सीरियसली सब कुछ देख रहा है ना, एक एक उठा के ट्रायल भी मार ले, ले ही ले. कलर देख रहा हूँ यार. We'll be right back.
ये वाला देख भाई ट्रेंड में है ये, दिस ये भी ये है मेरे पास ना ऐसा, तू पेन इट्स ऑलमोस्ट 4:15 एंड द मॉल इज ओपन टिल 9. आई डोंट थिंक सो वील बी एबल टू कवर द होल मॉल, बट जितना कवर कर सकते हैं हम कर लेंगे. इट्स एक्चुअली वियर्ड, द मॉल इज हियर क्लोज बाय 9 PM ऑन वीक डेज एंड वीकेंड्स पे इट क्लोजेस अराउंड 5 PM और 6 PM. एंड इंडिया में तो उल्टा था, वी यूज टू गो एट 3 or 4 PM टू द मॉल्स और रात तक रहते थे, तो इधर तो वीकेंड्स के दिन शाम को मॉल ही बंद हो जाता है. थोड़ा ब्रेक ले रहे हैं हम लोग, चलते चलते थक गया, एटलीस्ट मैं तो थक गया, इसका पता नहीं, ये इसको तो मज़ा आ रहा है, मेरे को थोड़ा बोर होता है शॉपिंग में. ऑल्सो वी आर वेटिंग फॉर निरुति, वो जॉब पे है तो 4:30 छूटेगी तो 5 बजे तक इधर जाएगी, जॉब यहाँ पास में ही है, सो वील वेट फॉर हाफ एन आवर एंड देन वापस वील कंटिन्यू. राहिल चुप है, राहिल मिसेस आगा और वाटरलू, मिसेस आगा एनी टाइम. क्यों वाई भाई वाइब है थोड़ी, एकदम टाउन की वाइब है. वाटरलू किचनर, स्पेशली किचनर एरिया इज मोर ऑफ अ गांव. वाटरलू डाउनटाउन तो भी थोड़ा बेटर है, बट किचनर तो ऐसा पूरा गांव है, एकदम शांति है, कोई दिखेगा नहीं, कुछ नहीं है. तेरे को ही ढूंढ रहा था मैं, जैसे शॉपिंग करते करते लड़कियां घुस जाती है ना एक शॉप में, फिर मैं ढूंढता हुआ वैसे हो रहा है, तू एक शॉप में घुस जाता है, मैं ढूंढता रह जाता हूँ. टीम में इतनी ज्यादा लाइन है, सो वी एक्चुअली डिसाइडेड टू गिव अ मोबाइल ऑर्डर, तो उससे थोड़ा फास्ट हो जाता है. फ्रेंच वेनिला, मोस्ट ऑफ द इंडियंस ऑर्डर फ्रेंच वेनिला क्योंकि वो थोड़ा मीठा होता है, या तो डबल डबल लेते हैं जो एकदम प्योर कॉफी जैसा होता है. राइट कतान, ये गेम मैंने इंडिया में 1 साल खेला था रोज एवरीडे. हाय सुनना, मैं ये लूँ ब्लूटूथ वाला ईयरफोन्स कि ये टाइप सी वाला ईयरफोन लूँ, ये $6 का है, ये $17 का है. हाँ पागल यार, तो कुछ तो लेना है ना. फाइनली हमने शॉपिंग करी थी, वो लोग उधर देख रहे हैं, ये मेरा शर्ट है एंड द रेस्ट ऑफ थिंग इज ऑफ राइल. ये ऑफर में है 30 for 3 ऐसा, तो $10 ईच हो गया. राइल ने जस्ट ये क्या, ये क्रीम टेस्ट की, कैसा लग रहा है तेरे हाथ पे अभी भी लगी है क्रीम, स्मेल करते करते नाक में डाल दिया. ऐसे कौन करता है. Everywhere there are lots of discount going on because tomorrow 1st of July is Canada Day. तो इसलिए हर जगह डिस्काउंट है. फॉर एग्जाम्पल 50% ऑफ है कहीं, कहीं है buy 3 get 1 free, या कहीं है buy 1 and get 2 free, ऐसे हर जगह ऑफर्स चल रहे हैं. लड़कियों के लिए तो एकदम अनफेयर ऑफर्स है कि लिटरली $12 में 3 टॉप मिल रहे हैं, $16 में 4 टॉप, ऐसे ऐसे ऑफर्स हैं. $7, $10, $10. चलते चलते थक गया, बोर हो गया, शॉपिंग कर गया, भूख लग गया. अच्छा तेरा शॉपिंग हो गया तो अब इधर से लाइन चालू होती है एंड इट इज ऑल द वे टिल देयर. जारा में इतनी बड़ी लाइन थी, लाइन देख के हम बाहर आ गए कि भाई नहीं लेना है, 1 घंटा तो बिलिंग में लग जाता. नाउ वी आर गोइंग टू हैव समथिंग, भूख लगी है. तो स्क्वायर वन में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फूड डिस्ट्रिक्ट, तो देखते हैं फूड डिस्ट्रिक्ट में है क्या खाने खाने को.
हम गरीबों को कुछ खाना नहीं मिला स्क्वायर वन मॉल में, मतलब था ऑप्शन सब पे और एक दो ऑप्शन था बट हम लोगों को नहीं खाना था, सो वी जस्ट केम आउट और अभी ऐसे फाउंटेन के इधर चिल कर रहे हैं क्योंकि अभी बस को और 15-20 मिनट है, सो इधर बैठेंगे फिर बस लेके सीधा घर पे। सो वी हैव कम टू डोमिनोज टू टेक आर पार्सल, रायल उधर वेट कर रहा है, मैं बाहर हूँ। टुमारो वी आर गोइंग टू एन अमेजिंग प्लेस, ऑब्वियसली आई वोंट रिवील द लोकेशन राइट नाउ क्योंकि नेक्स्ट व्लॉग के लिए थोड़ा सरप्राइज रखना पड़ेगा, सो आई एंड दिस व्लॉग राइट हियर बिकॉज नहीं तो व्लॉग बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इट्स बेटर कि मैं ये व्लॉग कट कर दूँ। सो डू लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय।